हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असेंबल डांस। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों की सीलिंग फैन का कैपेसिटर कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोग घर पे ही बिना किसी को बुलाए आप अपने से फैन का कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा कैसे करना है। उसके लिए बस हम लोग को एक चाहिए टेस्टर, और एक कोई भी अच्छा सा एक आप लोग कैपेसिटर खरीद लीजिएगा। कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो कोई ऐसा अच्छा सा वाला एक खरीद लीजिएगा। तो अभी आपका जो सीलिंग फैन है, अभी मैंने इसको निकाल के पट्टी वगैरह रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग इसको बिना निकाले सीलिंग में इसको लगा सकते हैं बढ़िया से। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ऐसे निकाल लेना है, इधर से यहाँ जो क्लिप है इससे निकाल लेना है। और पहले देखना इसका वायर दो रहता है, वो दो वायर कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, करना क्या, आप सबको एक साथ दोनों वायर को नहीं निकालना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि दोनों वायर को एक साथ निकाल लेते हैं फिर दूसरा वाला लगा देते हैं। तब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो वायर है इधर उधर हो जाने से क्या फ़ैन उल्टा घूमेगा या फिर फ़ैन घूमेगा ही नहीं, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे ईजी तरीका ये है कि आप क्या करिए, एक ऐसा दोनों वायर है ना, इसमें से एक वायर ऐसे ले लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ नीचे वाला वायर, तो अभी हम नीचे वाला वायर को निकालेंगे ऐसे। तो देखिए, ये हमने नीचे वाला वायर निकाल लिया। तो इसको जैसे हमने ऐसे खोल दिया, नीचे ब्लैक वायर था तो नया वाला कैपेसिटर का वायर हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। इसको ऐसे जोड़ देंगे और जोड़ के बस जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे इसको वापस लगा देना है। दूसरा वाला खोलना नहीं है, एक एक करके लगाना है। तो इसको हम पहले इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, ये नया वाले का एक लग गया और अभी पुराना वाले का और एक वायर लगा हुआ है ये येलो वाले के साथ। तो हम अभी इस निकालेंगे इसको। ये देखिए, दूसरा वाला वायर भी निकल गया। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ये इसका जो कैपेसिटर का दूसरा वायर है इसको बस सिंपली यहाँ पे लगा देना है इसके साथ, और सेम उसके तरह इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर लग गया हमारा। अभी मैं एक बात और बता रहा था आप लोगों को, ये लगाने के बाद तो एक तो बात है आप ऐसे इसको लगा देना है, बस हो गया। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, आप लोग देखना ज़्यादातर फैन में इस टाइप का तीन कलर देता है, जैसे कि ये ब्लैक है, येलो है और रेड है, जो उसका मेन वायर है। बाकी ये तो आप कैपेसिटर का कलर कोई भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर फैन में ब्लैक, येलो और रेड रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको देखिए पहचानने में आसान हो जाएगा। जो येलो होता है हमेशा ज़्यादातर 20 वाले में होता है, और जो रेड होता है वो सिंगल रहता है, वो कैपेसिटर के साथ नहीं रहता है, वो सिंगल ऐसे सिंगल रहेगा। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए रेड वाला सिंगल है और कैपेसिटर का एक वायर इसमें है ब्लैक के साथ और एक येलो के साथ। तो बस इतना ही काम था, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप और इस तरफ आपको मेन पावर सप्लाई होगा, इधर एक पॉजिटिव नेगेटिव बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं पे भी इधर लगाई, इधर और एक लगाई और इधर एक मेन वायर, दो जो आपका आएगा इधर से लगा देना है। बस इतना ही था फ्रेंड्स।